जय हिंद। पेनियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लोग अगर जितने भी रिटेलर बना रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर रिटेलर नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि आखिर वो रिटेलर क्यों नहीं बन पा रहा है, उन बनाने में क्या कमी है, या उनको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कैसे आप बनाएंगे कि आपको मिस जो आपका जो रिटेलर है वो रिटेलर नहीं बन पा रहे हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही आप पेनियर बाई के अंदर आते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखें किन लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से रिटेलर नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो देखिए, जैसे ही कि आप देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं कि एड रिटेलर वाले पर जब आप क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से, पेनियर बाई का जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है उसे जब आप क्लिक करते हैं, सॉरी दोस्तों अगर आपके सामने भी अगर कुछ अगर इस प्रकार से अगर आता है ट्राई अगेन, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन ज़रूर से कीजिएगा। हम यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखिए यहाँ पे देखिए लॉग आउट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है, ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट करने के बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद अब देखिए क्या काम करना है कि इसी वाले ऑप्शन पे ऐड रिटेलर पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड रिटेलर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जैसे उनके पेन कार्ड में जिनका आप रिटेलर आईडी बना रहे हैं, उनके पेन कार्ड में जिस प्रकार से नाम लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे नाम डालना है। किसी भी प्रकार का गड़बड़ नाम नहीं डालना है, नाम आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए जिसका आप आईडी बना रहे हैं। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे उसका पेन कार्ड का नंबर डालेंगे और सही सही से डालिएगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उनका सिलेक्ट करेंगे। और देखिए डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ध्यान देना है, एक बार हम आपको और बता देते हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 18 साल से जितने भी नीचे वाले रहेंगे, 18 साल के नीचे वाले का आप रिटेलर आईडी नहीं बना सकते क्योंकि 18 प्लस ही मांगता है। तो देखिए डेट हम एक बार यहाँ पे देखिए इंटर डेट वाले पे क्लिक करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए इस पर क्लिक कर दिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए सन लिखा गया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार से आपको नीचे कर लेना है जिस जितने भी अगर वो रहते हैं। नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए आप अगल बगल यहाँ पे देखिए क्लिक करके आप अपना आगे पीछे का मंथ भगा सकते हैं, तो अपना अगल बगल कर लेते हैं और जो तारीख है वो अपना यहाँ से आप अपना तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद देखिए सबको देखिए यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए उनका यहाँ पर देखिए उनका डेट यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से उनका डेट ऑफ बर्थ भरा जाता है। और देखिए जिन लोगों का नहीं बन पा रहा है, देखिए सब कुछ डालने के बाद देखिए अब देखिए आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है। तो सिंपली देखिए क्या काम करना है कि यहाँ पे देखिए आपका सब कुछ डालने के बाद देखिए यहाँ देखिए एक पैकेज का देखिए एक ऑप्शन है, इस पर आप जब इसे आप क्लिक करेंगे, एक यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से 650 रुपये का एक पैकेज है जो कि कटेगा तभी आपका रिटेलर बनेगा। लेकिन कितने लोग हैं कि फ्री का बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रीज का देखिए भी देखिए पैकेज है, इस पर अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फ्री का भी बना सकते हैं, लेकिन ये फ्री का तभी तक बनेगा जब तक इसमें ऑफ़र है। पेनियर बाई ने जब तक ऑफ़र दिया है तब तक ये फ्री बनेगा, अगर ऑफ़र जैसा ही ख़त्म हो जाएगा ये फ्री नहीं बनेगा। तो देखिए हम अपना सब कुछ फिल करके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ देखिए डाल लिए हैं, और यहाँ पे देखिए हम क्या काम करते हैं कि कन्फर्म वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे देखिए कन्फर्म वाले पे देखिए क्लिक करते हैं, लेकिन ये फिर भी देखिए कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है ये आप हमसे जान लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सब कुछ देखिए यहाँ पे भर लेने के बाद भी देखिए ये रिटेलर आईडी नहीं बन पा रहा है, कुछ देखिए इस प्रकार से ये देखिए आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए जोन मिसमैच करके एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जोन मिसमैच, मतलब कि जो आप इनका लोकेशन जो डाले हुए हैं वो लोकेशन ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मिसमैच की लोकेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये बंदा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बिहार का रहने वाला है, और फिर उसके बाद ये जो आईडी बना रहा है ये आसाम की आईडी बना रहा है, तो इसीलिए इसकी आईडी नहीं बन पा रही है, क्योंकि जहाँ वो रहता है उसी जगह का अगर लोकेशन अगर डालेगा तभी जाकर आईडी बनेगी। अगर वो लोकेशन अगर वहाँ का अगर नहीं डालता है, वो अगर चाहेगा कि जहाँ जो रिटेलर जहाँ कहे हम वहाँ का लोकेशन डाल के उनका आईडी बनाएं, तो वो आईडी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से जोन मिसमैच ही दिखाएगा। तो आपको रिटेलर तो आप बना सकते हैं कि इसलिए नहीं लोकेशन दूर का लोकेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि आप दूर जाके उनका लोकेशन पे उनका मतलब केवाईसी नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से नहीं बन पाता है। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम बनाना ही चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो आप रिटेलर जिसका आप आईडी बना रहे हैं यहाँ पे जो उसका जो लोकेशन जो डाल रहे हैं, ये लोकेशन हटा के आप जिस जहाँ पे भी आपका इस समय मोबाइल है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसी जगह का वो डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशन डाले तो उनकी आईडी बन जाएगी। अगर वो चाहेगा कि नहीं हम दूर की लोकेशन डालें, तो उनकी आईडी वो रिटेलर नहीं बना सकता है, क्योंकि जब भी रिटेलर बनाएगा इसी प्रकार से जोन मिसमैच के नाम से एक यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं बन पाएगा। तो ये रही आज की दोस्तों, और ध्यान दें दोस्तों कि आप रिटेलर आईडी उन्हीं लोगों का बनाएं जिनका आप डिस्ट्रीब्यूटर जितने हैं वो केवाईसी कर सके, चाहे वो कितना दूर हो चाहे नज़दीक हो, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को जाना चाहिए, क्योंकि पिनियर भाई ने थंब केवाईसी का ऑप्शन देता है, और ये नहीं कि मतलब कि सेल्फ केवाईसी का ऑप्शन तो एक टेम्प्रोरी के तौर पे दिया जाता है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर केवाईसी कंपनी केवाईसी कराना ज़रूरी ही होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं बना पाते थे, तो हम आपको फाइनल दिखा दिए कि आखिर क्यों नहीं बना पाते हैं। तो आप सिंपली सब कुछ जान गए होंगे कि आखिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है पेनियर बाई का, वो आखिर रिटेलर क्यों नहीं बना पा रहा है। आप अगर जैसे कि मान लीजिए अगर उसका जहाँ पे रिटेलर है, अगर वहाँ का अगर जहाँ पे आपका इस जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल है अगर उसी जगह का अगर वो लोकेशन अगर डालेगा तो रिटेलर आईडी बन जाएगी। अगर वहाँ का अगर वो रिटेलर अगर लोकेशन नहीं डालेगा, वो चाहेगा कि जहाँ का रिटेलर बहुत दूर का है हम उसका दूर का लोकेशन डालें, तो वो रिटेलर नहीं बन पाएगा, मिसमैच करके ही दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को अगर पेनियर बाई का अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आईडी चाहिए, तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। किसी भी आप पूरी भारत में कहीं से भी हों, आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हमसे ले सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और, कितने लोग सोचते हैं कि भाई जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ये फ्रॉड करेगा, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग आईडी लिए हैं, काम भी करते हैं और अच्छे बहुत अच्छे काम करते हैं दोस्तों। और एक बात और, परेशान करने वाले व्यक्ति हमें फ़ोन न करें, क्योंकि परेशान करने वाले तो लेने वाले तो कम फ़ोन करते हैं, लेकिन परेशान करने वाले ज़्यादा फ़ोन करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अगर मन में यह है कि नहीं हम पिनियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तभी आप फ़ोन कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं चलिए बस इसी प्रकार फ़ोन कर लेते हैं, तो आप फ़ोन मत कीजिएगा। और जो पिनियर बाई का जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, वो आपको 5 आईडी 2500 के समथिंग में पड़ेगी। इस समय ऑफ़र है, इसीलिए 2500 का 5 आईडी पड़ रहा है। अगर ऑफ़र अगर ख़त्म हो जाएगी तो आपको 550 रुपये की एक आईडी पड़ेगी, मतलब टोटल आपका 3000 रुपये की आईडी पड़ेगी, ध्यान दें। तो इसी की वजह से क्या है कि जितने भी लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन एक बात और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पिनियर बाई के डिस्ट्रीब्यूटर में कमीशन बहुत ही बेस्ट मिलता है। तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट करा सकते हैं। वीडियो के थंबनेल के तौर पे हमने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दिया। आपको अगर मन में अगर कोई भी अगर क्वेश्चन होता है या सवाल होता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर से दबाइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।